इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। इस वबा ने तो हम सबको मिला दिया। ये मेरे चारों साथियों को मुझे ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आज नहीं तो कल निकलेगा, हर मुश्किल का हल निकलेगा, हिम्मत करके जर्ब लगाओ चट्टानों से जल निकलेगा। तो अल्लाह तखाफू تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وفي الآخرة उसने हमें ये दिन रियायत फरमाया। यहाँ पर जो है इस्लाम की ये खासियत है, या तो मुसलमानों का ये मिजाज होता है कि वो खिदमत के लिए आगे आगे रहते हैं। तो इसी दौरान इसी सिलसिले में मैं ये कहता हूँ, मुनव्वर सुबह कर ले, रोशन शाम करता है चल, तो अपनी आखिरत के लिए कुछ काम करता है चल। भला क्या भरोसा है इस चार दिन की जिंदगानी का, अगर कुछ हो सके तो बच्चे कल का करता है चल। तो यहाँ पर जो है अंजुम इस्लाम जिला बेलगाम की जो कमेटी है, उसकी जो जमनी कमेटी है वो जो करोड़ में है, तो मैं दोनों कमेटियों का अपनी लाइफ से तरफ से जो है तेजी से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हेमंत फाउंडेशन के मेडिकल कैंप की वजह से आना था, लेकिन करोशी गांव से जो मेडिकल कैंप से हमारा रिश्ता जो जुड़ गया, इसकी वजह ये थी कि यहाँ के दो लोगों का इंतकाल हो गया, एक राजा पटेल का और एक साजिक पटेल। उनके तफरी के वक्त में करोशी से चार पांच जवान लोग आए थे, जैसे कि माजिद पटेल, भूपेर पटेल, बाबू पटेल, ऐसे चंद लोग आए थे। उस वक्त उनका हमारे रास्ता कायम हुआ, उनके सामने हमने तफरी किया। उसके बाद में दूसरे दिन ही सुबह में ये लोग हमारे पास वापस चले गए, जिन्होंने वहाँ की तफरीन का ऐसा काम है समझ लिया था, और आगे चलकर हमारे गांव में अगर ऐसी मुसीबत आ जाती है तो हम इसको आगे आपकी जरूरत इधर तक आने की ना लगे तो हम खुद वहाँ पर करेंगे। तो इस सिलसिले में वो आकर हमसे मिले, उन्होंने कैसा काम करना है ये समझ लिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है सबसे उसको पोलियो दिया जाता है, दवाई की जरूरत बचपन से शुरुआत हो जाती है, यानी सुबह बुखार आना चले जाती है, हार्ट अटैक आते हैं, किडनी फैल जाती है, लंग कैंसर होता है, तो डॉक्टरेट की बहुत जरूरत है आज की लाइफ में। अभी उसके कारण हमें यहाँ पे कैंप रखा गया था ताकि लोगों को इलाज मिला हुआ है, और खास करके के डॉक्टर आए हुए थे, स्किन केयर आए हुए थे, अंदर के ट्रीटमेंट के लिए आए हुए थे, स्किन केयर से आए हुए थे, टेस्ट फिजिशियन आए हुए थे, ऑर्थोपेडिक आए हुए थे, डायबिटीज और थायराइड के डॉक्टर आए हुए थे, क्योंकि कोविड के कारण यहाँ पे इलाज हो नहीं पा रहा था, डॉक्टर नहीं आ पा रहे थे, इसीलिए रहमान फाउंडेशन ने एक स्टेप फॉरवर्ड लेके यहाँ पे सब हर एक की मदद करना शुरू कर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट में, ताकि लोगों की जरूरतमंद पूरी हो जाए, जो कोविड के कारण लोग आ नहीं पाए थे, मिल नहीं पाए थे। हर एक आज जामे मस्जिद के हाथे में एक अजीम शान मेडिकल कैंप मुनक़द किया गया और डॉक्टर्स को और वॉलंटियर्स को एजाज से नवाजा भी गया। जिन डॉक्टरों ने खिदमत यहाँ पर की है काबिल तारीफ है, जमा डॉक्टर हो या पूरी टीम है डॉक्टरों की, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बेलगाम से डॉक्टर देवीगौड़ा भी यहाँ पर आए हुए हैं, और शायद ही इतना बड़ा फ्री मेडिकल कैंप कहीं भी नहीं हुआ है जो आज यहाँ पर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने कोविड की ऐसी सिचुएशन में हमको बहुत सी मदद की, और सुन्नत जमात करोशी को अभी तक लगभग हमने 900 से सिलेंडर लिए हैं, 900 से 950 हमारे सिलेंडर एतराज के साथ खेड़ों में जा चुके हैं, तालुके में, महाराष्ट्र में कोल्हापुर, मिरज, कुरुंदवार, नरसिंहवाड़ी, बामनी, सब तक हमारे सिलेंडर जा चुके हैं। हम अंजुमन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सॉरी तलवाई, तो रात में 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे भी पेशेंट आते थे, तो हम इधर भी मेरे दोस्त हैं, हमारे मामू हैं वगैरह,
रात में उठ के भी देते थे, 24 आवर सर्विस चलवा इधर पे, और इधर पे डेली एक गाड़ी जाके बेलगाम से रिफिल करके लेके आते थे। मिनिमम डेली तो हमें 15 से 20 सिलेंडर लगते थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े कम लग रहे हैं, इसलिए कोविड का थोड़ा ये जो बीमारी है थोड़ा कम होती जा रही है ऐसा लग रहा है। 3 महीने से जो सिलेंडर है ऑक्सीजन सिलेंडर इनको तकसीम करने का काम कर रहे हैं, जिसमें ज़रूरतमंद लोग जो भी जिनको भी ज़रूरत है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम अभी तक अराउंड 600 से 1000 सिलेंडर के बीच में अभी तक हम दे चुके हैं। और इसमें क्या हुआ है कि जो भी गरीब है उसके लिए उसके पास से तो हम कोई पैसा भी नहीं ले रहे हैं, और इसके लिए हमें अंजुमन वालों का बहुत साथ मिला है, जिसे हमें जब भी ज़रूरत पड़ी है चाहे वो रात के 2 बजे क्यों ना हो तभी भी उन्होंने हमें हेल्प किया है। तो हम पूरे करोशी वालों की तरफ से हम अंजुमन इस्लाम वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और हम चाहते हैं कि अंजुमन इस्लाम इसी तरह हमें आगे भी किसी भी चीज़ में हमेशा मदद करेगी। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, मायसेल्फ अब्दुल रहीम जमादार, रेसिडेंट ऑफ करोशी, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ करोशी आई थैंक राजू सेठ जी एंड अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम फॉर हेल्पिंग अनकंडीशनली फॉर द कोविड पेशेंट्स सप्लाइंग सिलेंडर्स ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड देयर बाय वी आर एबल टू गिव दिस सिलेंडर्स अराउंड करोशी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ वाकई में जो काम कर रहा है ज़िला बेलगाम के अंदर, यकीनन इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी और इस ज़रूरत को पूरा हमारे आली जनाब इकबाल जकाते साहब कर रहे हैं, और मुसलमानों के जो भी मसाइल हो, मिल्ली मसाइल हो, इसको बढ़ चढ़ कर वो इसमें हिस्सा लेते हैं और सवालात पूछते हैं, और मीडिया काम करे या ना करे, लेकिन ये इत्तेहाद न्यूज़ एक हमारा ऐसा वाहिद चैनल है जो हर मोड़ पर बढ़ चढ़ कर काम करता है। हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इसका साथ दें, सपोर्ट करें, इस चैनल को लाइक करें। हालात हाजरा के मुताबिक जो भी मुसलमानों के हो और दिगर मसाइल होते हैं, उन सारे मसाइलों को वो उठाते हैं और पेश भी करते हैं। हमें चाहिए कि हर जानिब से इसका सपोर्ट करें, लाइक करें। यकीनन इत्तेहाद चैनल का हम बहुत अपनी जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मेरा नाम मौलाना अब्दुल कादिर रज़वी, बाशिंदा मैं करो